BTS News Managing Director Mohammed Taufik. अभी मेरी ऑफिस के ऊपर मौदूम साहब जो यही सुलेमान नगर चिंतरगढ़ के रहने वाले हैं, अभी ये दोनों जोड़े मेरी ऑफिस पे रह गई। आप बता रहे थे कि औलाद रहने के बावजूद भी इनको पूछ कर नहीं देख रही, ना कोई खाने का जरिया। फिर मौदूम साहब की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, खैर उठे हल्लक में आपके इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो गया, तो ये लोग अपील कर रहे कि इनको कुछ कारोबार का जरिया लगा कर दें। प्याज की बंडी डाले के चला लेते पूरे, इससे पहले वही कारोबार करते थे कि बीमारी की वजह से सब बेच देना पड़ा। तो अगर कोई अल्लाह के बंदी अगर ऐसे है इनकी मदद कर सकते हैं तो वो ज़रूर सामने आए। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी में इतना फंड नहीं है कि इनको इमिडिएटली कुछ दिला सके। और एक हैंडीकैप बच्ची भी हमारे पास आई भी है, लेकिन कई दिन से वाला रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चार बेटियां हैं कोई देखने वाला, अगर ये बच्ची के वास्ते भी कोई मदद कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। बाकी की ज़ुबानी आप वो ज़ईब लोगों से पूछ सकते हैं जो मुसीबत का सामना कर रहे हैं। आपके पीछे कोई सपोर्ट नहीं, औलाद रहने के बावजूद भी बदनसीबी की बात है। वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, खैर वो एक अलग टॉपिक है। अब बाकी की ज़ुबानी आप खुद उनके वालिदैन से सुन सकते हैं कि ये ज़ईब जोड़ा कितना परेशान। परेशान हालत है, दो जने घर को खाने वाले, कारोबार कुछ तक पैसे नहीं, घर के रह का है हालत, आदमी की बहुत खराब हुई है। मैं छू संगा तुम के कुछ तो मदद करो बाबा, कुछ तो लगा ले को जी लेते हमें। उन लोग की इधर चले गई क्या नहीं की। अच्छा तो कारोबार क्या करते हैं आप? प्याज की भंडी लगाते थे, वो पैसा भी नहीं है प्याज लगाने का, सो भंडी है तो प्याज की भंडी लगा लेते आप। प्याज की भंडी लगा लेते। खालू को क्या हुआ, आपको क्या हुआ? बात करना नहीं आ रहा आपको? थोड़ी बात निकलती है। अगर कोई भी अल्लाह के बंदे अगर ऐसे हैं भी हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, कोई के लिए कुछ कारोबार का इंतज़ाम कराते, प्याज बेच लेते हैं बड़े बंदी के ऊपर, अगर कोई अल्लाह के बंदे हैं तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम।